लो के जस्ट 16 पॉइंट्स उसने क्लोज किया है ऊपर विच इज नॉट लुकिंग वेरी गुड अगर हम बात करते हैं एफ आई की देन दी एफ हैव कंटिन्यूड सेलिंग और डी ने थोड़ा बहुत खरीद लिया था विच मीन्स कि हम लोग जो बात कर रहे थे परसों रादर थर्सडे के वीडियो में आ, या मंडे के वीडियो में कि ओके मे बी एफ आई आईज है गलत था तो हम लोग चार्ट पर आते हैं कुछ देर में

Definitely one of the reasons why हम लोग ये देख रहे थे Coincidentally, मैंने कल ही रिलायंस की पोजीशन एग्जिट कर ली थी uh, because once it was going high और उसके बाद जो I believe, 2440 के आसपास से वो रिजेक्ट हुआ था बिट ऑफ अ वार्निंग साइन इसलिए नेक्स्ट अब अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं मोस्ट सेक्टर्स आर मिक्स आई मीन सी उतने कुछ खास कर रहे नहीं है पी एस सी बेटर प्राइवेट वर्स और बाकी सब डेटा यहाँ पे अवेलेबल है फार्मा ने अच्छा किया है तो अगर अब हम आते हैं चार्ट पर नाउ हियर ह्योर वीकेंसी की सिक्सटीन थाउजेंड का जो लेवल है दिस इज अराउंड हियर ये जो ग्रीन वाली लाइन है दैट इज़ अराउंड इज आई फील द लेवल दैट निफ्टी शुड एम फॉर आई थिंक अगर हम लोग एक्सपायरी ये लेवल के ऊपर देखते हैं बेसिकली अगर uh, आज के और कल के ओपन के ऊपर अगर हम देखते हैं यू uh, नो you know, कल का क्लोज देन आई फील मे बी जो बुलिशनेस है वो बरकरार रह पाएगी एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अगर हम एक छोटे हिसाब से छोटे ट्रेंड के हिसाब से देखें देन वी आर सीइंग समथिंग लाइक दिस सो दैट दैट रिस्पेक्ट से अगर हम लोग ये लेवल से एक सपोर्ट देखते हैं एंड दिस लेवल वुड बी अप्रॉक्सिमेटली एट फिफ्टी टू लेके नाइन हंड्रेड का लेवल तो एक अच्छा सा सपोर्ट देख पाएंगे हम एंड दिस होल्ड्स टू इवन इवन वेन वी कंसिडर दैट ये वाला रेजिस्टेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लेवल था सो so, उस हिसाब से अगर नीचे भी जाता है आई वुड से कि 800 से लेकर 900 के जोन से उसको सपोर्ट लेना चाहिए अगर नहीं लेता देन आई विल से दैट ओके मे बी जो बेर्स है वो कंट्रोल में है एंड देन पर यू नो सेंटिमेंट्स माइट ड्रॉप इट डाउन टू फिफ्टीन टू हंड्रेड वगैन सो और अगर ये होता है नेचुरली दैट मीन्स कि जो ओवरऑल uh, मूवमेंट है वो भी बैरिश हो पाएगी सो so, देखते हैं uh, कैसे जाता है ओवरऑल अगर हम इंट्रा मूव्स की बात करें देन इंट्रा डे में सी दिस इज दिस इज द मूवमेंट दैट वी सॉ यहाँ पे ओपन हुआ था वी कैन सी ये वाला जो, जो जोन था uh, वहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया एंड राइट फ्रॉम देयर वी सॉ दिस रेंज बीइंग ब्रोकन बेसिकली वो मॉर्निंग में एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था बट उसने साढ़े के आसपास वो रेंज तोड़ी और उसके बाद वो सीधा नीचे गया एंड इट नेवर रियली लुक बैक इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो सुबह का लो था वहीं से उसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड दे so, कर करके जाता गया एंड देखे के आस पास सो so, जो सेंटिमेंट था वो इन जनरल इतना बेरिश था आज आई फील uh, की सॉट ऑफ सेलिंग बाय से नीचे ही जाता गया नीचे ही जाता गया नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉट माइट है क्रॉस कर लेते हैं विच सो है देन इट इज़ वेरी लाइकली कि हम एक्सपायरी देखते हैं सिक्सटीन जीरो एट जीरो के आसपास अगर ये होता है देन आई फील आइडियली फिफ्टीन नाइन हंड्रेड का जो स्ट्राइक है दैट माइट बी मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्या होता है सिक्सटीन थाउजेंड इज राइट नाउ जस्ट अ लिटिल बिट आउट ऑफ मनी ए टी एम टाइप का है एंड uh, उसमें काफी सारा डी के हो सकता है बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट स्पेशली अगर मूव ढाई बजे के बाद होता है देन uh, जो तीन से साढ़े तीन के मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे ऑप्शन प्राइसेस थोड़ी सी स्केची हो जाएगी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी अनलेस वी सी एन एक्सट्रीमली फास्ट मूव क्योंकि वो एवरेज प्राइस कंसिडर करेगा सो राइट नाउ आई फील ऑन एन एक्सपायरी बेसिस आइडियली इसके ऊपर होना चाहिए इफ द बुल्स आर यू नो शोइंग कंट्रोल अगर नहीं होता और यू नो इफ वी डू सी सम बुलिश मूवमेंट फॉलोड बाई डाउन साइड दैट इज द कॉल साइड का ट्रेड दैट आई वुड सी अगर हम बात करते हैं एंड ट्रेड्स मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एनालिसिस राइट नाउ Uh, अगर हम बात करते हैं यू नो डाउन साइड की शॉर्ट साइड क्या हो सकता है कि हमें uh, पिछले price moves, price moves भी, देखने हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये वाला जो गैप है वो फिल होते देखा था सो आई फील इफ वी गो डाउन इफ लेट्स राइट सी वो कहां पर है दिस लेवल नाइन हंड्रेड तो आई फील फिफ्टीन एट ट्वेंटी के आसपास आने की संभावनाएं मे बी थर्सडे को नहीं बट एटलीस्ट फ्राइडे को तो आ सकता है सो आई वुड से राइट नाव जब तक ये जोन में है मार्केट और अनलेस ये जोन के आसपास आता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रियली टॉक अबाउट दी ओवरऑल ट्रेंड इन केस अगर हम यहाँ पे आज का लो ब्रेक करते हैं देन आई डू फील एट ट्वेंटी इज अ लाइकली डेस्टिनेशन फॉर द मार्केट देखते हैं कैसे जाता है राइट right नाउ तो दिस इज़ द जनरल सॉर्ट ऑफ डिरेक्शन दैट आई फील माइट बी Sort of shaping up. आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके क्लियरली uh, रिलायंस ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है टी ने भी नहीं किया इन्फोसिस ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था आज मैं उसको uh, देख रहा था बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द मॉर्निंग पर उसके बाद ये भी नीचे आता गया और नीचे आके उसने फाइनली प्रीवियस क्लोज को टच करके ऊपर गया है सो so, इन जनरल यू नो जो टिपिकल कॉलोरेट्स होते हैं हमारे रिलायंस एच बैंक और इनफी इन तीनों ने उतना कुछ खास किया नहीं है एंड दैट इज पॉसिबली व्हाई वी आर सीइंग निफ्टी बिलो मे बी अगर इन तीनों में से एक भी स्टॉक ने अच्छा किया होता वी माइट हैव सीन अ पोलिश मूवमेंट यहां पे आप देख सकते हो दिस इज रिलायंस और हम बात करते हैं एच बैंक की दिस इज एच बैंक एक्सेप्ट फॉर इन्फोसिस दे आर ऑल वन साइडेड नेगेटिव अब आते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी की रियल क्विक निफ्टी की काफ़ी बात कर ली बैंक निफ्टी की भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कल हम लोग ने बात की थी कि कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी इज़ लाइकली टू कम इन दिस रेड रीजन राइट हियर वेल इट्स हियर नाउ और हम देख सकते हैं कि वही रीजन से थोड़ा सा उसने बाउंस किया एटलीस्ट जो फॉल है उसको उसको रोक दिया है सो so, अगर मेरे हिसाब से ये वाला जो उसने कंसोलिडेटेड uh, जोन बनाया है ऊपर uh, का अगर इसे तोड़ता है zone, अगर हम लोग ये वाला जोन तोड़ते हैं बेसिकली थर्टी फोर एट हंड्रेड तोड़ देते हैं देन आई थिंक थर्टी फोर सिक्स हंड्रेड से लेके फाइव हंड्रेड तक वो एटलीस्ट uh, नीचे जा सकता है इफ नॉट वी माइट जस्ट सी थर्टी फोर फोर ट्वेंटी बींग ब्रोकन सो बैंक निफ्टी का मेरा व्यू ये रहेगा लेट्स ओवरऑल आई फील एज ऑफ नाउ जैसा मार्केट शेप अप कर रहा है दैट अनसर्टिनटी इज किंग बैक अप किंग बैक इन अगैन हम लोग ने देखा था कि पिछले कुछ दिन पहले uh, बहुत लोग सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल हो गए थे लोगों को लग रहा था uh, so कि वी माइट बी सींग रिकवरी सो दिस इज जस्ट द मार्केट वे ऑफ सींग भाई जरा शांत रह लो ऐसा नहीं है कि जस्ट हम लोग ऊपर uh, ही जाते रहेंगे शायद बीच में थोड़े से हिकअप्स आए थोड़े स्पीड ब्रेकर आए बट एज लॉन्ग एज यू हैव फास्ट इंड योर सीट बेल्ट मीनिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है इट शुड बी अ सेफ एंड कम्फर्टेबल राइड हेड इधर वे अगर निफ्टी के लिए नहीं तो एटलीस्ट फॉर योर पी एन एल एंड फॉर योर पोर्टफोलियो तो आज के लिए इतना ही रहेगा आई होप दैट यू आर सब्सक्राइब टू टू दिस चैनल क्योंकि अनलाइक द मार्केट अनलाइक ट्रेडिंग सब्सक्राइब करने का कोई रिस्क नहीं है एंड स्पीकिंग ऑफ यू नो रिस्क एंड ओवर नाइट एक्सपोजर यहाँ पे हम देख सकते हैं नैजद इज लिटिल uh, नेगेटिव यहाँ पे अगर हम यूएस थर्टी देखते हैं परसेंट so आया ब्रेक्स रिकॉर्ड ऊपर चला गया है इन अदर न्यूज योरोज नाउ वीकर देन यू एस डी मतलब पहले कैसे होता था एज वी से जी बी पी हमारे लिए सबसे बड़ा था एक हिसाब से वैसे तो कुवैती दिनार होता है बट जी बी पी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉगर वन उसके बाद आता था यूरो देन वी वालाइक ठीक है यूएस डी आ गया नाउ दिस पोजिशन हैज बीन स्विचड नेक्स्ट साइड्स फॉर यू एस डी इज प्रॉबली जी बी पी सो लेट सी हाउ इट गोज आज के लिए इतना ही था मिलते हैं अगले एपिसोड में टुमारो सी यू द नेक्स्ट हैप्पी ट्रेडिंग हैप्पी एनालिसिस हैव अ ग्रेट एक्सपायरी सेशन टुमारो